किंग कोहली को कोटला का सलाम। कोटला में गूंजेगा विराट का नाम। सचिन धोनी की राह पर चलेंगे विराट। दिल्ली में दिखेगा विराट का दम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के शानदार उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए DDCA ने यह फैसला किया है कि फिरोज शाह कोटला के एक स्टैंड का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर अमरनाथ और बिशन सिंह बेदी के नाम पर दो स्टैंड रखा गया है और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग और अंजुम चोपड़ा के नाम पर इस मैदान के गेट पे भी लिखा गया। तो ये भारत में पहली बार होगा कि विराट कोहली के नाम पर ये एक बड़ा स्टैंड का नाम रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्रिकेटर्स रहे हैं उनके संन्यास लेने के बाद ये नाम रखा गया था। और साथ ही साथ विराट कोहली ने अपनी जो करियर की शुरुआत थी वो इसी मैदान से की थी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उनका नाम एक स्टैंड पर लिखा जाएगा। और आपको बता दें कि 12 सितंबर को इसका इनॉग्रल फंक्शन होगा। 12 सितंबर से कोटला में विराट कोहली स्टैंड नजर आएगा। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 68 शतक जड़ चुके हैं, तो वनडे क्रिकेट में विराट 43 शतक लगा चुके हैं। और वनडे क्रिकेट में सचिन और विराट के बीच अब महज 6 शतकों का फासला रह गया है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली 20,562 रन बना चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही कोहली एक दशक में 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। कोटला स्टेडियम में इससे पहले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज मोहिंदर अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी के नाम पर स्टैंड बन चुके हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के कोटला स्टेडियम का ये हिस्सा पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ के नाम से जाना जाता है और इस स्टैंड पर बड़े अक्षरों में 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो मोहिंदर अमरनाथ का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह से कोटला स्टेडियम का ये हिस्सा फिरकी के जादूगर बिशन सिंह बेदी के नाम से जाना जाता है और इस स्टैंड पर पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के कोटला स्टेडियम का गेट भी पूर्व क्रिकेटर्स के नाम पर रखा गया है, जिनमें से एक गेट टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर रह चुके वीरेंद्र सहवाग के नाम पर है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को भी क्रिकेट खेलने के दौरान ही स्टेडियम का स्टैंड डेडिकेट कर दिया गया था।